So hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेपर वन का टॉपिक दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में से हमारा पॉल्यूटेंट्स। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम क्लास में बैठे हैं उनको बता दूं सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले हम पॉल्यूटेंट्स के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि पॉल्यूटेंट होता क्या है, और उस कंसेप्ट के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो 5 क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। राइट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि पॉल्यूटेंट्स होता क्या है। देखो पॉल्यूटेंट्स तो पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर आप सभी ने पॉल्यूशन वर्ड तो जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में। राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पॉल्यूशन क्या होता है। सर जो भी हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, अगर मैं लेमन में बोलूं तो पॉल्यूशन जो हम बचपन में पढ़ के आते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। राइट, तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन होता है हमारा नेगेटिव और अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एनवायरमेंट, वो हमारा होता है पॉल्यूशन। अब जो एजेंट्स, जो पार्टिकल्स, जो गैसेस, जो केमिकल्स इस पॉल्यूशन को करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। मतलब एजेंट्स दैट bring about such undesirable changes are known as pollutants, जिनकी वजह से pollution होता है वो होते हैं हमारे pollutants। समझ आ गया basic सा कि pollutants क्या होता है बच्चों, जो चीजें जो agents, जो chemicals, जो भी gases वगैरह हैं, जो भी elements हैं, जो pollution create कर रही हैं, pollution कर रही हैं, जिनकी वजह से pollution हो रहा है उन्हें बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक, अब आज की क्लास का टारगेट क्या है, आज की क्लास का टारगेट है कि सबसे पहले तो हम एक तो देख लेंगे कि पॉल्यूटेंट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, फिर उसके बाद एक एक करके कई सारे पॉल्यूटेंट्स को हम उठाएंगे, उनसे होने वाले हार्म इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या कॉजेज हैं उन पॉल्यूटेंट्स के, उनको स्टडी करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स को। बेसिकली पॉल्यूटेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं एनवायरमेंट में, डायरेक्टली हमारी एक्टिविटीज के कारण या कोई नेचुरल एक्टिविटी के कारण एनवायरमेंट में आए। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज में से हमने पॉल्यूशन छोड़ा, हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो सारे हो गए हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जैसे CO2। राइट, और जो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का केमिकल रिएक्शन हो जाता है एनवायरमेंट में, माइट बी ड्यू टू सनलाइट, या जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो गया, उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो जो डायरेक्टली हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एनवायरमेंट पे या नेचर खुद ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उससे कोई गैसेस निकली, हमारे इंडस्ट्रीज से कोई गैसेस निकली, व्हीकल से कोई गैसेस निकली, हमने फायर करी उससे कोई गैसेस निकली, जो हमारे कारण हुए दैट आर प्राइमरी, मतलब नेचर के कारण हुए जो डायरेक्टली एनवायरमेंट में जा रहे हैं दैट आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं किसी और गैस के साथ एनवायरमेंट में, उन्हें हम बोल देते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक, एक बार डिफरेंस देख लेने के बीच का, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या हो गए, दैट एंटर एटमॉस्फेयर डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्सेज, जो हमारे सोर्सेज हो गए कि हमने व्हीकल चला रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं हमारी, या कोई नेचुरल रीजन हो गया, जो डायरेक्टली जा रहे हैं एनवायरमेंट में उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और जो हमारे केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो एनवायरमेंट में है और कोई भी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट
उन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उन्हें हम बोल देते हैं सेकेंडरी पॉलिपटेंट्स। प्राइमरी पॉलिपटेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? पहला सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फ्यूर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेड। तो आपको बेसिक बेसिक से नाम याद रखने हैं कि हाँ भाई ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि भाई इन सब में से बता दो कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, राइट। सेकेंडरी में आ जाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, फोटोकेमिकल, ग्राउंड लेवल ओजोन और एसिड रेन वगैरह, ये हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। अब इसके अलावा एक बेसिस और होता है हमारा डिविजन का, वो हम देख लेते हैं कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे हम स्टूडेंट बचपन से पढ़ के आते हैं बायोडिग्रेडेबल चीज क्या होती है, जो अपने आप डिग्रेड हो जाए, मतलब वो अपने आप खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए एनवायरमेंट में। लाइक अगर मैं बोलूं कि जैसे हम फ्रूट्स वगैरह अगर हम सैंड में मिट्टी में दबा देंगे तो खत्म हो जाएंगे ना बहुत जल्दी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खा जाएंगे, उसे डीकम्पोज कर देंगे, सही बोलूं तो जो चीज डीकम्पोज हो जाए बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो उनसे पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाए या खत्म हो जाए एनवायरमेंट में जल्दी से, दैट आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, और जो डिकम्पोज ना हो सके इजिली दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर डिग्रेडेबल बाय माइक्रोबियल एक्शंस उन्हें हम बोल देते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल जो हमारा सीवेज से पॉल्यूशन निकल रहा है, फिर जो हमारे डिकम्पोज ना हो माइक्रोबियल एक्शन से उन्हें हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि हमारे हो गए प्लास्टिक्स। समझ आ गया, बेसिकली दो बेसिस हमने डिवाइड करा, पहला कौन सा बेसिस था प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंड कौन सा था हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हमने लिया है जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स हैं, उन सबको एक 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 करके डिस्कस करेंगे कि वो पॉल्यूटेंट्स होते किस वजह से हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक, करें स्टार्ट, कंटिन्यू करें। सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस है और ऑडरलेस गैस है, याद रखना। जो प्रोड्यूस होता है हमारा बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और वुड की वजह से, ठीक है। इससे होता क्या है, जब ये हमारी बॉडीज में जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारी बॉडी में उसको रिड्यूस कर देता है, राइट। इससे होता क्या है, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और हेडेक्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट। फिर आगे बात करूं मैं, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस है। और ये क्यों होती है, ये भी सिमिलरली जो बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस है उसकी वजह से हमारी रिलीज होती है। इससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं और इससे ही हमें हेडेक्स वगैरह या हर्ट स्ट्रेन वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जितने हम एयर पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह तो आपको मैक्सिमम प्लेसेस में मिली जाएंगी। और इसमें कुछ ऐसा ज्यादा डिटेल में समझाने वाला भी नहीं है आपके लिए कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, इट्स बेसिकली गैस, हमें पता है कैसे निकल रही है और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हमें लर्न कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप आगे देखोगे तो आप क्वेश्चंस देखोगे, जैसे क्वेश्चन आ सकता है भाई ग्रीन हाउस गैस किस वजह से होती है प्रॉब्लम, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई थिंक हम सभी ने पढ़ा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन वगैरह है उनसे जो गैसेज वगैरह निकल रही हैं दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। और इससे होता क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है और ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। आगे जितने मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना रखा है, तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, तो ये बेसिकली ये जो गैस है ये डायरेक्टली स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है और बाकी कॉम्पोनेंट्स के साथ, बाकी एलिमेंट्स के साथ आके मिक्स होने के बाद रिडक्शन करती है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बाद होता क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक।
तो ये गैस हमारी ट्रोपोस्फेयर में से लेके स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है, जिससे बाकी गैसेस के साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर की डिप्लीशन का रीजन बनती है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास लिड। ये किसमें प्रेजेंट होती है? हमारी पेट्रोल, डीजल या लिड बैटरीज या पेंट्स या हेयर ड्राई प्रोडक्ट्स में हमारी अवेलेबल होती है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, अगर कंज्यूम कर ले तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, और कई केसेस में तो कैंसर भी का भी रीजन ही लिड को माना जाता है। अगर याद करो एक एग्जांपल, तो मैगी में बीच में एक बार केस चला था कि मैगी में लिड पाई गई थी, राइट? फिर उसे बैन कर दिया गया था प्रॉपरली, आई थिंक उसके बाद पता नहीं जो भी हुआ कि कंपोनेंट कम हुआ या फॉल्स निकला, बट ये इतना हार्मफुल होता है कि इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाता है, राइट? आगे बात करें हम, नेक्स्ट इज ओजोन। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो ओजोन क्या है? बेसिकली ये भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है। इधर वो बात ओजोन लेयर वाली की बात नहीं हो रही। देखो अगर मैं डायग्राम में बात करूं, एक होता है अपर लेवल जो हमारा मेन ओजोन हो गया। अगर ये ही गैस जो हमें, देखो ओजोन लेयर हमें हेल्प किससे करती है? यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। बट अगर ये ही गैस नीचे लेवल पे आ जाए, ऊपर लेवल पे तो प्रोटेक्ट कर रही है, अगर नीचे लेवल पे आ जाए तो ये एज अ पॉल्यूटेंट काम करती है, राइट? अगर लोअर लेवल पे आ जाए ये तो एज अ पॉल्यूटेंट काम करती है, ठीक? और ये बिल्कुल ही हाईली टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है। और जनरली कहां से निकलती है ये गैस? ये हमारी व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से निकलती है, राइट? और याद रखना, ये जो बोली जाता है, ये बोला जाता है ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये नीचे लेवल वाली, जो ऊपर वाले लेवल वाली है ओजोन लेवल, वो तो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक? इससे प्रॉब्लम क्या होती है गैस से? इससे हमारी आई चीज वगैरह हो जाएंगी, बर्न आएगी और आई में पानी वगैरह आएगा। फिर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और चेस्ट पेन जैसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इस गैस की वजह से, इस पॉल्यूटेंट की वजह से, राइट? आगे चले, नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसकी वजह से स्मॉग और एसिड रेन होती है हमारी। एसिड रेन हम सबने पढ़ा है, जो बर्निंग वगैरह होती है। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो किसकी वजह से रिलीज हो रही है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स व्हिच इंक्लूड्स पेट्रोल, डीजल एंड कोल, ठीक है? इससे भी सेम चीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस वगैरह हो जाती है बच्चों में, प्लस आपको इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है लंग्स में, मतलब आपके लंग्स में इरिटेशन या फिर लंग्स फूल रहे हैं, ठीक? नेक्स्ट आती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब ये भी हमारी सेकेंड रीजन है, मतलब एक तो थी पिछली नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेकेंड जो सल्फर ऑक्साइड है, ये दोनों मिलके बेसिकली रीजन होती है हमारा स्मॉग और एसिड रेन का। ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है? सेम कोल, थर्मल पावर में प्लांट्स की वजह में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, ठीक? इससे भी हमारी सेम में लंग्स डिजीजेस में होती है। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना है, हर एक पॉल्यूटेंट का आपको पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है और उससे कौन कौन सी लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई हाँ, कौन कौन सी जो गैसेस हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए भाई सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है, ठीक? फिर आता है हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। बेसिकली अगर आप देखो, कभी कभार हमें एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या है ना, वो यही है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। या अगर कभी याद करो, लाइट जाती थी और हम टॉर्च वगैरह जलाते थे, तो टॉर्च में बहुत मिट्टी टाइप से दिख रही होती थी, राइट? बहुत ज्यादा डस्ट से दिख रही होती थी, वो क्या होते थे? वो यही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते थे, बेसिकली थोड़े बड़े वाले, ठीक? ये क्या है? जो हमारी स्मॉग, डस्ट और वेपर्स हैं, जो हमारे जो एयर में है वो सस्पेंडेड है, घूम रहे हैं, ठीक है? और जो इनके फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, फाइनर मतलब बहुत छोटे, जो हमें दिख रहे हैं फिर भी एक बार बड़े हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हो गए वो हमारे लंग्स वगैरह में फंस जाते थे, लंग वगैरह को डैमेज कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक? समझ आ गया। फिर आता है हमारे पास स्मॉग, और हम सबको पता है
तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो बहुत ज्यादा ही पता होगा, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। फॉग एंड स्मोक के मिक्सचर को हम बोल देते हैं स्मोक। बेसिकली जो आपकी फॉग है वो मिक्स कर जाती है स्मोक से। तो अगर आप दिल्ली वगैरह में हो तो आपको पता होगा कितना ही कोहरा पड़ जाता है जब सर्दियों की बात होती है। बेसिकली एक पॉल्यूशन लेवल हो जाता है कि इवन स्कूल वगैरह बंद करने की जरूरत पड़ जाती है। दैट इज स्मोक। ठीक, इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। फिर जो ये स्मोक है इसमें कई सारे और पार्टिकल्स मिले हो सकते हैं, वाटर वेपर या डस्ट वगैरह हो सकता है। विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एयर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं जनरली सबकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह तो होंगी ही होंगी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस 2021 की। तो बेसिकली ये हमने पॉल्यूटेंट्स डिस्कस कर लिए, अब दो चीजें और डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहली चीज है हमारा WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। इसमें क्या है, जो WHO है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि क्या मिनिमम लेवल होना चाहिए किसी भी पॉल्यूटेंट का। तो वही गाइडलाइंस है, ये है जो PM 2.5। अच्छा 2.5 का मतलब क्या है वो ध्यान से सुन लो। PM 2.5 का क्या मतलब है, 2.5 हमारा बेसिकली क्या है, डायमीटर होगा किसी भी, डायमीटर किसमें, माइक्रोन में, डायमीटर है माइक्रोन में किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, सिमिलरली PM 10 इनका जो लेवल है वो दे रखा था पहले हमारा 5 max 15, मतलब एनुअल हमारा 5 होना चाहिए, 24 आवर्स में देख रहे तो 15। सिमिलरली PM 10 का, ओजोन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो सबके लेवल्स दिए हुए हैं कि मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए। तो अगर आप इससे ज्यादा हायर पे हो तो मतलब रिस्क में हो। सिमिलरली अगर आपने देखा हो तो इंडिया में भी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, AQI फाइंड आउट करा जाता है, जो बताता है कि उस एरिया की एयर क्वालिटी कैसी है, राइट। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में याद रखना 8 पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से, पहला है हमारा पार्टिकुलेट मैटर, फिर हमारे, अच्छा पार्टिकुलेट मैटर में भी एक 10 वाला डायमीटर वाला और 2.5 माइक्रोन वाला, फिर ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड होते हैं हमारे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो इन 8 को देख के एक इंडेक्स निकाला जाता है, उस एरिया की एयर क्वालिटी डिफाइन करी जाती है। तो जब भी आप देख रहे होते हो न्यूज में कि भाई रेड चल रहा है, वो चल रहा है, बेसिकली आप यही चीज देख रहे होते हो, राइट। अच्छा इसमें जो लेवल है, अगर 0 to 50 है तो गुड है, अगर 51 to 100 है तो सेटिस्फेक्टरी लेवल है एयर का, 101 to 200 है तो मॉडरेट लेवल, 201 to 300 पुअर, फिर वेरी पुअर एंड फिर सीवियर। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको बहुत बार ऐसे लेवल भी देखने को मिले होंगे। ठीक है, दिल्ली में भी आपको ऐसे लेवल की 400 plus 300 plus चला गया। ठीक, अब जो गुड होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आपको मिनिमम ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे लंग्स या अस्थमा जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी अगर ये लेवल है आपका एटमॉस्फेयर का, तो पॉल्यूशन का। तो फिर इधर और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि भाई क्या लेवल्स हैं, किसको गुड बोलते हैं, किसको सेटिस्फेक्टरी बोलते हैं, किसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कौन कौन से हमारे पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। समझ आ गया, बेसिक बेसिस से चैप्टर समझ लिया, कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं था इस चैप्टर में आई नो, बट बहुत ज्यादा लर्न करने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को 2 से 4 बार पढ़ लेना है ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें सेव हो जाए। एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, चलो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो क्लास को, साथ साथ आपको आंसर देना है। The buildup of dash, which is known as greenhouse effect in the atmosphere, is leading to current global warming. तो greenhouse gas effect किसकी वजह से होता है? Chlorine, sulfur dioxide, fluorine, carbon dioxide. जल्दी आंसर दो कमेंट सेक्शन में। देखो आई नो इस चैप्टर में बेसिकली ज्यादा समझाने वाला कुछ नहीं था, इट्स ऑल अबाउट कि मैंने बहुत सारा कॉम्पोनेंट आपको बस दिया है, बट पॉइंट क्या है यहाँ पे भी देने का कि आप एटलीस्ट रिकॉल कर सको।
होगा क्या, जितनी बार आप सुनोगे इन वीडियोस को, जितनी बार आप उस पीपीटी को देखोगे, तो आपके माइंड में वो सेव होना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम में बहुत बार हमने क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आते हुए। चलो, जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अ कार्बन डाइऑक्साइड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए अगर आपको, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के पीछे कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मरकरी। चलो हिंट देता हूं, कौन सी गैस हमारे फ्रिज और एसी वगैरह में से निकलती है। आई थिंक आप सब अभी आंसर कर पा रहे होंगे, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ वन ऑफ द सिटीज 190, इट फॉल्स अंडर विच ऑफ द कैटेगरी, सेटिस्फैक्टरी, पुअर, मॉडरेट एंड गुड। जल्दी से आंसर करो, किसके अंदर आएगी 190, सेटिस्फैक्टरी, पुअर, मॉडरेट, गुड। तो जो हमारी 100 से 200 वाली रेंज थी, कौन सी थी वो, 100 से 200 वाली रेंज, दैट इज मॉडरेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड पॉल्यूटेंट कॉज एसिड रेन। विच ऑफ द बिलो पॉल्यूटेंट्स कॉज एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। मेजर रीजन बताना, मेजर किसकी वजह से एसिड रेन होती है, मेजरली। हाँ जी, ए बी सी जी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, अब आपका एक टास्क है, इसके साथ एक गैस और थी, कौन सी बताओ, जो मेन रीजन होती है एसिड रेन की वजह। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना सारे, कौन सी गैस है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, एक गैस और थी, रिकॉल करो। देखो टाइप करोगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो आपसे उस, आपको ही एडवांटेज होगा कि आप रिकॉल कर पाओगे, और एक बार आप टाइप कर दोगे उधर तो वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तभी मैं बार बार बोलता हूं कि नोटबुक्स निकालो, लिखो, नोटबुक्स निकालो या कमेंट सेक्शन में टाइप करो, क्योंकि टाइप करने से या लिखने से होगा क्या, आपके माइंड में सेव हो जाएगा, ज्यादा चांसेस है कि आप फ्यूचर में उसे रिकॉल कर पाओगे, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड, बेसिकली मैंने बताया था ना, 8 पॉल्यूटेंट से एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वो नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, पार्टिकुलेट मैटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कौन सा नहीं है। हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नहीं है, ये तीनों है। ठीक, आपको क्या करना है, घर पे आके रिकॉल कर लेने हैं, सारे याद कर लेने हैं जिसके आंसर नहीं दे पा रहे। अब आपको क्या करना है, बताना है मुझे कि 5 में से आप कितने आंसर्स दे पाए, देखते हैं कितना एक्टिव थे आप क्लास में, उससे आपको बदल जाएगा। तो 5 आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ये मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और फिर रिकॉल करा दूं, पेपर 1 की क्लासेस मेरी जो होती है वो ट्यूसडे 5 PM, और पेपर 2 की हमारी फ्राइडे को 5 PM। ठीक, कोई भी टॉपिक जो समझना हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।